अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे भाई, क्या हाल है? बढ़िया, मैं याद कर रहा था, फोन किया, फोन नहीं उठाया। मैं कब फोन किया था भाई, कब फोन किया था यार? अफ भाई, थोड़ी देर पहले, तकरीबन एक डेढ़ घंटा पहले फोन किया था यार। नहीं भाई, कसम से मेरे पास कोई कॉल ही नहीं है। अभी तो मैंने वॉइस आपकी सुनी, तब मैंने पलट के आपको कॉल किया। कौन सा नंबर था आपको फोन किया था? मेरे दोनों नंबर आपको मैंने अपने दे रखे। मेरे पास आपका एक ही नंबर है, एक ही नंबर है आपका। कौन से वाला? कौन से वाला जिसमें मैंने आपको फोन किया है? 986 वाला। अरे कौन सा? हाँ हाँ, ये 988 वाला। और कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में क्या है? वो 4950 है। 4950 हो सकता है आपने वो मतलब मेरा नंबर क्रिएट नहीं कर रखा ना। 4950। अच्छा, ये 8307354। जी जी जी, 49। अभी सेव कर लेता हूँ भाई, मेरे को क्या पता ये आपका नंबर? नहीं हाँ, इसी से किया मैं, और जो है ना इसको सेव कर ले मेरे भाई के लिए। और सुनाओ क्या हाल है? सेव कर लिया भाई, सेव कर लिया आपका नंबर। ठीक हो गया, ठीक हो भाई। फिर क्या कर रहा है आज भाई? वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, धड़ाधड़ा लोग देख रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमारे को उसके अंदर जो है ना, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? ग्रिल भी तो सड़े बुझे पड़े हैं बहुत ज्यादा, अहमद रजा वाले, इनकी तो पूछो ना। ये तो बहुत ज्यादा बेचारे, तो ग्रुप के अंदर भी बात नहीं करते हैं। ठीक है भाई, हमने तो ग्रुप में आपको ऐड कर दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने मैंने तो ये ग्रुप में आप, इनका पर्सनल ग्रुप था, अगर इनको मैंने कुछ कहा इन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। इन बरेलवियों के ग्रुप में था मैं, तो मैं भी फिर अपना दिमाग, मेरा भी ऐसा ही है, मैंने कहा भाई तो इसकी कोई दलील मांगी इसके प्रति, तो उन्होंने शबे बारात के प्रति, तो मतलब उनको कुछ बुरा लगा उन्होंने मेरे को। मैंने कहा भाई इसका जवाब दो कोई है तो, ठीक है, क्या है, कहाँ से साबित है ये? कोई उलेमा हो बरेलवी आपका, रजा खानी, तो हमें प्लीज हमें बताएं। ठीक है, हमेशा मैं दीन के अंदर नया हूँ और आप मुझे बताएं। किसी का जवाब नहीं आया, फिर एक तुम जगह आया तो पता नहीं क्या बोला, वो समझ नहीं आई मेरे को, फिर उसके बाद मेरे को रिमूव कर दिया ग्रुप में से, निकाल दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, और सुनाओ क्या हाल है? अरे सब ऐसा ही है भाई। चलो अच्छा है, काम काज कुछ लगे हुए हैं। और मैं तो याद कर रहा था, फिर मैंने आपको ये फोन किया ना इधर से, तो मैं जो था, मैं कहा शायद मैं कहा कहीं पे बिजी होंगे जो कॉल कर नहीं रहे। अब मेरे हाथ के अंदर ही मोबाइल था और मैं बैठा था अभी, तो ये मैं फिर ग्रुप में पूछा था मैंने कहा शबे बारात का क्या मतलब सीन क्या होता है जो ये लोग मनाते हैं? तो आई थिंक यार उस भाई का नाम क्या है, वो भी LOVC है अपना, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है ना कुरान पाक में नहीं है इसका जिक्र, और जो है हदीसों में आता है जिक्र इसका। ठीक है, उन्होंने मुझे दो तीन किताबें बताई, एक सऊदी अरब के भाई हैं अपने, जो मैंने आपको कहा था। कौन बोला? व्हाट्सएप, दरअसल वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं तो सऊदी अरब वाले, क्योंकि भाई शबे बारात ना तो कुरान में ना हदीस में, 15 शाबान हदीस में शबे बारात नहीं है। शबे बारात एक जी आप वही एक ही मतलब यही शाबान, यानी क्या क्या चाहेंगे हम इसको? मैं इसी मतलब पूछ रहा था ग्रुप में कि भैया हमें बताएं, हम नए दीन के अंदर आए हैं, भैया कोई बरेलवी आलिम है तो हमें बताएं। मैं बरेलवी बन के भी पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी की जुबान नहीं निकली, और काफी देर तक मैंने कहा भैया फिर नहीं बताना तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते भाई। ठीक है, तो मैंने में से पूछा और क्या यार, जब नहीं बात करनी है गाली ग्रुप कर रहे थे कि दो सुन्नी ग्रुप लिखा हुआ था, वो सारे अपने आप ही आपस में लड़ने लगे हुए थे। तेरी माँ की तेरी बहन की, अरे मैंने कहा बहन के तो मैंने कहा इतनी जल्दी गाली में, दो बंदा अगर घर में बैठ के सुन रहा हो तो तुम तो साले बहुत दिन, और मैंने कहा जब तुम्हारे मुनाजरे होते हैं उस टाइम तुम साले बिल्कुल पाक साफ होकर बैठते हो, पता नहीं हमारे जैसा कोई पढ़ा लिखा, और वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, वो आपस में दोनों बरेलवी लड़ रहे थे वो। तो मैंने सलाम दुआ सलाम करी तो अरे यार साइड में हो जाओ, हमारे को इसको वो लेना, पता नहीं किस मौजूद के ऊपर आपस में लड़ रहे थे। मैंने कहा लड़ो मगर मरो, मैंने तलवार ले लो हाथ के अंदर रजे की, रजा खानी साहब की है अपने, तो मैंने कहा एक दूसरे का सिर उड़ाओ बढ़ गया। मैंने कहा
वादी कम होगी तुम्हारी, मैंने ये वो सिर्फ मेरे को निकाल ही दिया, तो समझ गया था। और सुनाओ क्या हाल है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा, और अब क्या तैयारी कर रही है, कैसी तैयारी कर रही है अब? बस सब बढ़िया ही है। बताओ फिर आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए? टॉपिक आपने आज एक चढ़ाई है वीडियो, नहीं वो दो वीडियो मेरी पुरानी थी यार, मैंने मेरे पास दो बंदियों के फोन आए हैं और उन्होंने मेरे से बात करी है, बधाई दी है मेरे को, और मैंने कहा भैया मैं जो बंद को नहीं जानता मैं बात करूंगा अपने आर्यन से बात करूंगा, दूर से बात करूंगा, आपका भी नाम लिया, तो वो बोले कि ये आप हमारी तरफ से ये हमने आपको कॉल किया मुबारकबाद देते हैं और आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे। तो मैंने भैया मैं जरा अभी मैं क्या कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता आपको, ठीक है, मैंने कहा मैं किसी आलिम से अपने मेरे दोस्त हैं तो उनसे बात करूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा। तो मैंने इनवाइट कर रहे थे वो, तो फिर हमारे अलग रिसर्च भाई हैं उन्होंने कहा कि इसकी कोई वो नहीं है, तो उनको हाँ इसकी कोई दलील नहीं है कुरान में और जो है ना हदीस के अंदर है, तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है। एक मरोल के लिए किसी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन? आपको कॉल कर रहे हैं? जी बताइए। हेलो। हाँ बोलो ना भाई। हाँ वो रही 15 शाबान के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए ना, तो जानना चाहते थे हम। 15 शाबान? हाँ ये जो और जो रात भर लोग नमाज पढ़ रहा है तस्वीर पढ़ रहा है ये सब कितना दिन सही है थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा जान लेंगे थोड़ा इत्मीनान हो जाएंगे। देखिए भाई शबे बारात से मुर्दों की ईद है, इसमें मेरे अच्छा। भाई जो जिंदा हैं वो कब्रिस्तान जाते हैं और जो मुर्दा हैं वो घर आते हैं अच्छा। और इस रात को खास जाग के मकसूद मतलब जो इबादत होती है उसको करना ये मेरे भाई की अच्छा। बिदात है अच्छा अच्छा। और बाकी हमारे मेरे भाई हमारे अब्दुल्ला भाई लाइन पे हैं वो आपको बता देंगे। अब्दुल्ला भाई बता दीजिए आप। नहीं आप बात कर रहे हैं अफू भाई, मैं तो आप पता कर रहा हूँ। अरे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। जी 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 भाई ऐसा है कुरान के अंदर जी। वालेकुम सलाम भाई, आपका किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और आपका शुभ नाम क्या है पहले ये बताएं? मोहम्मद अहलुल हक। अच्छा मोहम्मद अहलुल हक, आप किस मसलक के रखते हैं? अभी तो हम किसी फिरके में तो है नहीं भाई, हम तो अपने आप को खुद मुसलमान मानते हैं, जब बरेली मानते हैं ना जमाती मानते हैं। अच्छा अच्छा, मोहम्मद ही मानते हैं अपने आप को? हाँ हाँ मोहम्मद ही मानते बात, तो अगला का जुला मानते हैं। चलो अच्छी बात है। अक्कू भाई का नंबर किसने दिया आपको? मेरा दोस्त है वो था उसने दिया था हमको। अच्छा अच्छा, तो जब आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप अगर ये इनमें से चारों मजहब में से हमारे किसी को नहीं मान रहे तो आप मेरा ख्याल बरेलवी होंगे, ठीक है? अभी नहीं है, जब से आप कुरान पढ़ रहे हैं ना हिंदी में पढ़ रहे हैं तब से आपको सब छोड़ दिए हैं, आज 2 साल हो गया। जी जी, इसीलिए तो आपको आपको आपके ऊपर इन है आपके मोहब्बत है ना, इसलिए तो हम आपको किए हैं, जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हकीकत बोलते हैं। जी हाँ मैं तो कुछ भी नहीं, आपको खान का है ना, आपको खान का ऑडियो में हम हर रोज सुनते हैं, उसका बहुत बड़ा फैन भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए आपकी आपको सुनते हैं जैसे आवाज जी जर्जिस मौलाना हुआ जैसे किसी पर रहमान हुआ ये सब का हम ज्यादा सुनते हैं, बरेली में जानते हैं पाकिस्तान ना ये होता झूठे ज्यादा निकलता है, मिलता नहीं कुरान हदीस से मिलता नहीं है। जी जी, ये झूठ की मशीन है और ऐसी मशीन जो 24 घंटे चलती है और गाली बात नंबर 1 के हैं, अगर आप तो मेरी बात पे नहीं यकीन तो मैं आपके ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, अगर आप उसको गाड़ी को घर में माँ बहन के सामने अगर आप सुन रहे हो तो आपको इतना मतलब इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मौलाना मौलाना उनके सब, तो मैं तो उनकी ग्रुप से निकलाऊंगा भी अभी और मैं आपको अपना पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ। जी हाँ बस यही बता रहा हूँ पर्सनल की ऐसा चल रहा है, पता नहीं इनके अंदर क्या ये क्या चाहते होते हैं क्या नहीं चाहते इनकी आपस की बातें हैं, और बाकी अफू भाई आपको बताएंगे क्योंकि वो बड़े हैं हमारे से और जो है ना सारा काम संभालते हैं।
और जो हम भी इनसे हदायत लेते हैं, मैं खुद हदायत ले रहा था, तो ये कुरान कोई दिक्कत नहीं है, आप इत्मीनान से देखें, बरेलवियों से पूछ रहे हैं, आपने बरेलवियों से पूछे ठीक है, और हदीसों के मानने वालों से पूछ रहे हैं आपने, तो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको भाई आपको अच्छी तरह बता देंगे ठीक है, और पूछ सकते हैं आप। अब आपका समय शुरू होता है, आपने समय शुरू होता है जी मेरे भाई, बोलिए हम उन लोगों से पूछने जाएंगे तो अच्छा भला बुरा करके इधर से उधर से सबूत रेलगाड़ी का चक्का टायर ट्रेन में ट्रेन का एलपी में जाके फिट कर देता है यहाँ वहाँ ना, तो इसलिए समझ में नहीं आता बात। अच्छा अच्छा हेलो 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 भाई, जो दूसरे वाले भाई जिन्होंने फोन किया, आपका नाम क्या भाई भूल गए थोड़ा बताइए, मोहम्मद ऐनुल हक है, मोहम्मद ऐनुल हक। अच्छा ऐनुल हक भाई, देखिए ऐनुल हक भाई ये जिनसे आप बात कर रहे थे ये माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह नॉन मुस्लिम थे ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो अपना दीन इस्लाम था जो शांति का मजहब था उसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इच्छा से ठीक है बिना किसी मतलब जोर जबरदस्ती के इन्होंने अपनाया है, और अब माशाल्लाह भाई ये तहकीक कर रहे हैं, दो ढाई साल ये बरेलवियों के चक्कर में पड़े रहे, फिर देवबंदियों ने भी इनको मतलब भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इनकी सारी देखरेख जो इनकी मेरे भाई तालीम है उसका सारा मेरे भाई जो बेड़ा है वो हमने उठाया है ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि आप बात कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सोच लीजिए इन्होंने इस तरीके से बात की है कि सामने वाला मेरे भाई वाकई एक बार सोचे कि हाँ यार बंदा बाकी अपना भाई है, आप समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे माशाल्लाह ये सीख रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि साल दो साल बाद इंशाल्लाह ये लोगों को समझाएंगे फोन करके। अच्छा सही बात है, अच्छा उसको हम भी नहीं समझ पाए, मगर जब भी बात बोले प्यार से बोला, अच्छी तरह से बोला, अच्छे अंदाज में बोला जी। देखिए ये बेचारे जो बरेलवी भाई हैं उनके पास जाते थे दीन सीखने, और बरेलवी लोग इनको मतलब गालियां देते थे ठीक है, इनको कुछ नहीं बताते थे दीन के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे इनको बात करते हुए अभी खाली एक हफ्ता हुआ है, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे लोगों से बात करना सीख गए हैं कि मतलब भाई क्या पूछना है क्या सवाल करना है। तो ये मेरे समझ लीजिए एकदम मतलब बड़े भाई की तरह है, और मैं इनकी बहुत मतलब इज्जत करता हूँ। और रही बात भाईजान, हम तो आपसे यही जानना चाहते थे, मोटा वो तो चला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिसको हिदायत देते हो तो बढ़वे करेगा, ऐसा बात नहीं है, है कि नहीं, कहने का मतलब आपका जो सवाल ये था कि शबे बारात की जो रात है उसमें क्या करें, तो भाई जो हर रात को करते हैं वो इस रात में कीजिए, कोई खास रात ये नहीं है। अच्छा 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 ठीक है, अगर आप डेली मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं तो इस रात को भी नमाज पढ़िए, लेकिन आप पूरा साल अगर टांगे फैला के सोए रहते हैं और इस रात को खाली खुसूसन जाग के मकसूद मेरे भाई रकाते नमाज पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि ये तो दीन है और ये तो अल्लाह के नबी के जमाने में भी होता था, साहबा भी ऐसा करते थे, तो ये हो जाएगा बिदअत। हाँ तो यही बात मतलब है, आज बोलता कि एक हम दोस्त पीछे थे तो आज के रात है ना हयात अगले साल तो क्या होगा क्या नहीं क्या क्या बताए बता रहा था, क्या बता रहा था, सब पीछा होता है आज के दिन आज के रात बोला माफ करता अल्लाह पाक। देखिए हिसाब किताब भी नहीं, जो अमाल होते हैं वो पेश किए जाते हैं, जैसे मेरे भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि डेली यानी कि एक दिन में आपके जो जो आमाल हैं वो पेश किए जाते हैं मेरे भाई, कब, फजर में और असर में ठीक है, यानी कि एक दिन में दो बार आपके मतलब जो आमाल होते हैं वो अल्लाह तक मेरे भाई पेश किए जाते हैं, एक फजर और एक असर। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हफ्ते में भी अमाल पेश होते हैं, वो होता है मेरे भाई एक दिन होता है भाई पीर का और एक दिन होता है जुमेरात का ठीक, महीने में भी जैसे मेरे भाई 15 शाबान है इसमें अमाल पेश किए जाते हैं, और इस तरीके से पूरे साल का हिसाब होता है मेरे भाई, वो होता है रमजान में शबे कद्र की ताक रातों में। तो इसका माना ये नहीं है कि अमाल पेश किए जाते हैं तो इसको मनाएं, अब क्या मेरे भाई क्या आप डेली मेरे भाई फजर और असर को क्या मेरे भाई वो मनाते हैं,
भाई हफ्ते में क्या मेरे भाई जो ये पीर होता है, जुमेरात होता है, क्या आप इसको मनाते हैं? तो इसी तरीके से मेरे भाई जो शाबान का महीना है उसकी 15 तारीख को आप काय के लिए मना रहे हैं? जैसे एक कंपनी होती है ना कंपनी, कि भाई कंपनी में डेली का मेरे भाई क्या सेल हुई, तो मेरे भाई डेली की जा रही है रिपोर्ट, उसके बाद मेरे भाई हफ्ते की जाती है रिपोर्ट, उसके बाद भाई वो महीने की जाती है रिपोर्ट, फिर पूरे साल में एक दिन होता है मेरे भाई वो होता है क्लोजिंग। जैसे आजकल कंपनी में होता है कि भैया वो हर साल जो मार्च का महीना है उसमें पूरे साल की होती है क्लोजिंग, तो इसी तरीके से हमारे पूरे साल की जो अमाल की जो क्लोजिंग है वो होती है रमजान में। तो ये मिसाल आपको समझाने के लिए दी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो रात है शबे बारात की, ये डुप्लीकेट रात है, इसका मेरे भाई कुरान हदीस इजमा कयास इन चारों से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरे भाई दीन में एक बहुत बड़ी बिदत है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदतिन ज़लाला, यानी कि तमाम बिदतें गुमराही हैं दीन में, ठीक है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। तो इस शबे बारात से बचिए, 15 शाबान को मनाइए। अब ये 15 शाबान को मेरे भाई आपको कैसे मनाना है? जो इंसान मेरे भाई हर महीने में 13, 14, 15 ये तीन मतलब भाई अपना रखता है, रोजा रखता है, तो वो शाबान के महीने में भी मेरे भाई 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखे, बस सिंपल। अब खास तौर से 15 शाबान को शबे बारात बना के मगरिब के बाद फातिया देना, फिर कब्रिस्तान जाना, फिर मेरे भाई दादा नाना जो मर गए उनकी कब्र पे जाके अगरबत्ती जलाना, और फिर वापस आना, फिर खाना बनवाना, फिर थोड़ा खाना मेरे भाई गरीबों में बांट देना, बाकी खाना खुद मेरे भाई खा लेना। तो ये सब मेरे भाई खाना आपको बांटना है, जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया मेरे भाई तब बांटो ना, एक दिन खास करके क्यों बांट गए? तो मतलब जो होता ना बोला नेकी है ये है, आज जो जितना वो आप बोले ना कि कब्रिस्तान जाना है, सब करना पटिया करना, सब अभी तो भाई आप पहले कैसे मनाते थे जरा माजरा चाहता हूँ, पहले आप इससे पहले आज से पहले कैसे किया करते थे आप? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। भाई मैं आपसे पूछ रहा था, बरेलियों के अंदर कई फुल्के हैं, एक तो रोजा खानी है, उसे काट देना। हाँ जी भाई, नेटवर्क में आके बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ बोल रहे थे ना, जब से हम मतलब मजार में, उससे पहले हम पूरा नहीं जाते थे मजार उजार फातिया करना ये सब चीज में पूरा यकीन और विश्वास रखते थे पहले। हेलो जी जी बोलिए। हाँ तो उस बातों में हम पूरा यकीन रखते थे पहले, उस टाइम हम ना किताब पढ़ते थे ना नमाज पढ़ते थे, कुछ नहीं करते थे ना। और अभी थोड़ा जब से हम हिंदी कुरान मौजूद है, मेरे पास तर्जुमा वाला है, आला हजरत का भी है, एलएजी का भी है, दोनों का है, दोनों में तो सेम बात है कि ये सब सब गलत है, ये सब में कुछ ये नहीं है, जहाँ जाता है उसे आला हजरत गलत नहीं कहता। तारीख से गलत नहीं कहता, लेकिन ये थोड़ा कुरान और हदीस के जो प्रॉपर है, जो हमारा मक्का मदीना से चला हुआ सुनना है, जो उनके ऊपर है, उनकी आप बात नहीं अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप अगर मनाना भी चाहते हैं तो आप सिर्फ एक दफा बैठ सकते हैं और अल्लाह को याद कर सकते हैं, और उसके ऐसा नहीं कि आपको रात भर जागते अल्लाह को याद करना है, किसी जिन को प्रकट करना है। आपने इत्मीनान से बैठ गई और अपने जो है मेरे हिसाब से किसी कवर पे मत जाइए, आप इत्मीनान से बैठ के और जो है ना अल्लाह से, अल्लाह मेरे से जो हुआ आज मैं माफी मांगता हूँ, और मुझे हाँ जी, और मुझे अपने जो है ना, अच्छा हम ये कह रहे हैं जी अब्दुल्ला भाई जी, कितेश भाई, हम ये कह रहे थे जैसे मेरे भाई, जैसे ये नॉन मुस्लिम जब आप थे तो आप में भी तो कोई ऐसा ही मतलब त्योहार आता होगा जिसमें मतलब जो लोग मर गए हैं पूर्वज लोग,
उनके लिए मतलब भाई खाना लगाना, भोग लगाना, पितृपक्ष। जी जी हाँ, बेशक बेशक, वो उसमें आता है जी, उसमें 15 दिन का त्योहार होता है जी वो। जी जी, तो गोया देखिए, अल्लाह के नबी ने मेरे भाई फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर है 4031, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि जिसने किसी दूसरे कौम की देखा देखी इख्तियार की धार्मिक मामले में, दीनी मामले में, तो वो उनमें से हो गया। तो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, उनके वहाँ साल में मतलब कुछ मतलब भाई इस टाइप से आते हैं, वो उनका फेस्टिवल होता है, पर्व होता है, त्योहार होता है, कि वो अपने जो मरे हुए लोग हैं उनको लगाते हैं भोग, मतलब उन तक मतलब भाई उनके नाम से खाने का भोग लगाते हैं। वही देखा देखी मेरे भाई लोगों ने ईजाद कर दी कि हम क्या किसी से मेरे भाई पीछे हैं क्या, हम भी मनाएंगे मुर्दों की ईद, यानी कि शबे बारात। तो भाई दोनों उनमें से हो गए ना, तो अपने को ऐसा कुछ नहीं करना है, अपना जैसे सादे नॉर्मल हम लोग मेरे भाई जैसे हर दिन मेरे भाई अमल करते हैं, अल्लाह सुभान व तआला को याद करते हैं, वैसे 15 शाबान को भी याद करना है। मैं तो सिर्फ आपको यही कह रहा हूँ अच्छा भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई को, भाई ने चलो उधर से छोड़ के रस्सी को छोड़ के और थोड़ा रास्ते पे आ रहे हैं, तो एकदम नहीं आ सकते, एडिक्शन हो जाती है, छोड़ नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना बैठ जाए, पाक साफ हो के अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह जैसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, और तू ही सब कुछ जानने वाला है, दिलों का ज़रात जानने वाला है, तो आप इतना तो कर सकते हैं बस मेरे हिसाब से, बाकी इतना तो आप हर रात को कर सकते हैं, 15 शाबान की रात, चलो आपकी इच्छा है जैसा आप चाहें, क्योंकि हम हमारे पास इल्म गैप तो है नहीं कि आप किस उसमें आए हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दीनी भाई हैं और रास्ता दिखाना हमारा काम है, और जो है ना ऐसी कोई बात नहीं है, तो अगर हमारे पास 1 रुपया का भी इल्म है, 8 आने का भी इल्म है, तो हमारी जो है ना बिल्कुल हक बनता है कि आपको हर चीज बताएं, और आप सही रास्ते पे चल पड़े हैं, ठीक है, मेरे को लग रहा है आप चल पड़े हैं, और इंशाल्लाह आप चलेंगे, अगर आपको करना है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर तक आप जागिएगा मत, थोड़ी देर तक अल्लाह से दुआ कीजिएगा, मैं या अल्लाह, ठीक है, नमाज पढ़नी है नमाज पढ़िएगा, और मेरे से जो गुनाह हुए हैं उसकी अपने गुनाहों की माफी मांगे अल्लाह ताला से डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई माशाल्लाह तेज भाई, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, बहुत जबरदस्त। देखिए इस्लाम की जो मेरे भाई हकीकत है, वो नाम निहाद जो मेरे भाई ईमान वाले होने का दावा करते हैं, उनसे ज्यादा जो लोग इस्लाम को समझ के इस्लाम में दाखिल होते हैं ना, वो दीन को आसानी से समझते हैं और आसान समझ के उसको अपनाते हैं, तो वो आसानी से फॉलो उसको मेरे भाई कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह का जो आसमानी दीन था उसमें अपने बाप दादाओं का दीन मेरे भाई बीच में खोज दिया है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दीन पे अमल करना। हाँ तो आप कहिएगा तो बोलेगा तो कि हमारे बाप दादा जो करता है वो क्या गलत करेगा, हम तो उसी रास्ते में चलेंगे। अच्छा ये बताइए, जो हमारे साथ मेरे भाई अब्दुल्ला भाई हैं, हितेश भाई हैं, ये भी अगर मेरे भाई कहते कि क्या हमारे बाप दादा जो कर रहे हैं गलत है क्या, तो आज क्या ये मेरे भाई ईमान वाले होते? नहीं होते। हितेश भाई आप इनको अपनी स्टोरी मेरे भाई मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप बताइए कि आपको कैसे अल्लाह ने हिदायत दी। हमको भी अच्छा लगेगा जी भाई, बस मैं इस्लामिक प्रोग्राम देखा करता था, बचपन जब से मैंने थोड़ी होश संभाली तो मेरा थोड़ा बहुत गुजर बसर एक मस्जिद वाली गली से हुआ करता था, मैं बड़ी हैरियत से देखता था कि भाई लोग कितना अच्छा बन के आते हैं और जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, और जो आम लोग हैं ये क्या कुछ करते, जितने टोने टोट के कभी इसको पूज लिया, कभी पत्थर बाबा को पूज लिया, कभी फलाने टीकरे को पूज लिया, जहाँ भी देखते हैं उसको तिलक लगा देते हैं, हर चीज को मौजूद बना देते हैं, पत्थर अगर गली के किनारे में ही पड़ा तो ये करते 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 तो आज कल कुछ आज कुछ तो फिर हमें अच्छा लगा, तो हमने सुना था अहले सुन्नत वल जमात के बारे में, तो वो हर कोई अपने आप को कहता है, लेकिन हम नहीं आपको कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, तो फिर हमने जो है हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है, तो हाँ जी फिर हमने अपनी मर्जी से यहाँ से कलमा पढ़ा, लेकिन नाम हमारा चेंज नहीं किया गया, उन्होंने कहा हमारा दीन बहुत मुश्किल है,
क्योंकि ये जो सुन्नी है इनके अंदर कई प्रकार के हैं, ठीक है। सुन्नी जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, इनके अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत इनके खुद के मसले बहुत ज्यादा हैं। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, हम तो इतना ही कह सकते हैं। आप इत्मीनान से, जब मेरे को अफू भाई का नंबर मिला तो मैंने बरेलवी आलिमों से भी बात करी, शायद अगर आप जानते होंगे तो उनसे मैंने एक दो बार रब्ता करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बेकार, मतलब जैसे यानी कि हमारी जैसे हम इंसान ही नहीं है, चलो छोटा बड़ा तो छोड़ो, आप जैसे हम जानवर हैं उससे बदतर, वो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। आप ये कह के देखें कि मैं दीन के अंदर नया हूँ, मेरे को ये चीज कहते हैं, आप जो उनके अल्फाज कह के देखें आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। आप कुछ मत कीजिए, आपने आज फोन किया अच्छा लगा हमने, आप बस एकदम, अब देखो मुर्दा पुजारी को छोड़ दिया आपने, आपने क्या करना है कि सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लेना है, उसके 99 नामों का आपने जो है जिक्र करो और अपने माफी मांगो बस, या अल्लाह कल हो या ना हो, मैं कल मेरी आँख खुले ना खुले, क्या हालात हो, कौन से राजा की प्रजा हो, उसके लिए कर सकते हैं। जी मेरे भाई अकेले हैं घर में, आपको परिवार मतलब जो है बाल बच्चा? जी परिवार, जी हाँ मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन मैं मतलब खुद ब खुद, वो तो बरेलवी बरेलवी की तरह है, वो मुजारों वाले हैं, ठीक है। घर में ना अकेले आपको जो उस कुंभ के बारे में बोल रहे हैं, जैसे आपको वहाँ कोई मतलब आपको माँ बाप भाई बहन उनमें से आप अकेले हैं इस लाइन में अभी? हाँ जी हाँ जी, मैं सिलाई में केलल हूँ, केलल बंदा आता है और केलल चला जाता है, और आज उनको तो उनको हैरान कर रखते हैं, लेकिन वो तो मतलब बाजारों पे जाने वाले हैं, और चलो मालिक शिकायत दे सबको, तो वो मतलब ऐसे ही है। तो बाकी मैं इसमें फरमान तो है कि माँ बाप की वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, हमें बेअजी तो जी जी, तो माँ बाप को पता है, तो उनको पता है कि ये अपने रास्ते पे चल रहा है, इसे चलने दें, हम तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते, जब से मैंने उन्हें बताया तो यही बात है। अल्लाह ताला बोलते कि लोगों को माफ नहीं करता है, वो सीर के आगे वालों को नाफरमान और वो किसी का दिल में खोट मन में पाप इन सब लोगों को तो माफ नहीं करता बोलता है, सुनिए जैसे आप बोले कि माँ बाप की देखभाल करने के, यही हिसाब से आपको बात सुनकर हमको अच्छा लगा, ऐसा बात नहीं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप, मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप तो बस इतना कर सकते हैं, नमाज पढ़ने और जो है नमाज पढ़ के अल्लाह से करें, या अल्लाह मैं तेरे को तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह जो गुनाह है मेरे को माफ कर, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या बरात है, कौन सी बरात है, क्या है क्या नहीं जी, और आप बस सूख रहेंगे, हम आपको इबादत से नहीं रोकते, बिल्कुल अल्लाह से इबादत करो, उससे जो है ना अपनी तरफ करो, वो बड़ा मेहरबान पाओगे, आप उसे बड़ा मेहरबान पाओगे, वो बहुत मेहरबान पाओगे। बस घर वालों को भी थोड़ा अदब करें, मतलब वो तौफीक हम इंशाल्लाह चाहे जी, उनका दिल ना दुखे, किसी मुस्लिम भाई का दिल ना दुखे, हम अपनी तरफ से कोशिश करें, चाहे वो किसी मसले का हो, जो गलमा वो है उसका दिल ना दुखाए हम, क्योंकि अपने दीन के अंदर है नहीं, क्यों हमारे नबी ने नहीं कहा ना कि किसी का दिल दुखा है या किसी मुसलमान को कत्ल किया है बिना किसी वजह के, तो जी जी, तो हम आपने तो दिल नहीं दिखाना चाहते, हमें जितना मालूम था हमने आपको बता दिया, और जी हाँ जैसे आप अफू भाई ने आपको बताया, आपने फोन किया, आप इत्मीनान से बस कुछ भी नहीं करना है, अपना बात साफ होके, वाकई भाई मेरे कसम से आंसू आ गए मेरे भाई, ठीक है, मैं मतलब मेरे आंसू आते नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब्दुल्ला भाई की, हितेज भाई की बात मतलब भाई सुन के आंसू आ गए कि वाकई में मेरे भाई कि एक मेरे भाई जो अभी भी इस्लाम में दाखिल हुआ है, वो बेचारा वो कह रहा है कि अल्लाह की सच्चे मेरे भाई दिल से मन से इबादत करो, अल्लाह से माफी मांगो, आपस में अच्छे से रहो, मोहब्बत से रहो, और ये जाहिल लोग जो माँ पेट से मुस्लिम पैदा हुए हैं वो खाली मेरे भाई बिदत के पीछे लोगों को गालियां देने लगते हैं, अल्लाह क्या होगा मेरे भाई आखिरत में ऐसे लोगों का। नहीं तेज भाई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत मेरे भाई समझदारी से आपने बताया, अल्लाह आपको अच्छा रखे, चलिए फिर इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम लो भैया।